हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आने वाले फ्यूचर में आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से संकेत मिलने वाले देखिए हर व्यक्ति को अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता होती है और वह जानना चाहता है कि उसके भविष्य में उसके साथ क्या होगा हर कोई यही जानना चाहता है कि उसे भविष्य में सुखों की प्राप्ति होगी या फिर दुखों का पहाड़ उस पर टूटेगा हमारे भविष्य के बारे में जानकारी हमें ज्योतिष से मिलती है और अब तो यह भी देखा गया है कि ज्योतिष से भी त्वरित तरीके से यानी कि अलग अलग तरीके से भविष्य जानने की एक विधि प्रचलित हो चुकी है हम बात कर रहे हैं आज टेरो कार्ड रीडिंग की जो आजकल भविष्य जानने के बारे में आपको बताती है देखिए टेरो कार्ड रीडिंग असल में आपको अंकों के माध्यम से या कोई चित्रों के माध्यम से भविष्य जानने की एक कला है देखिए ज्योतिष शास्त्र में हाथों की रेखा और कुंडली से किसी का भविष्य बताया जा सकता है उसी तरह से टेरो कार्ड में हम आपको संकेत, चित्र, अंक, रंग, तथा पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश आदि से जीवन में होने वाली कई उलझनों और मुसीबतों को सुलझाने के लिए आपकी सहायता करते हैं बता दें कि यह जो विधा है वह एक साथ अंक शास्त्र रंग चिकित्सा ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है जो कि भविष्य संबंधी प्रश्नों का त्वरित और सटीक उत्तर देती है अगर आपके मन में भी कई सारे सवाल है या फिर आप भी अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको टेरोकार्ड से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे और स्क्रीन पर चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसी के साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें देखिए आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है मार्च महीने में आपकी कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है क्या कह रहे हैं टैरोकार्ड आपसे किस तरह से आपके जीवन में मार्च महीना बदलाव लेकर के आएगा तो इन सारी बातों को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एक जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं रेजोनेट हो सके आप पे ना हो तो आप जो नंबर चूज़ करा उसका अपोजिट एक बार ध्यान से सुन ले चलिए शुरुआत करते हैं दो डम्बरू दिखाई देंगे आपको फर्स्ट ब्राउन सेकंड ब्लू दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो चूज़ कर ले फिर देखेंगे मार्च महीना आपके लिए क्या कह रहा है किस तरह की कंडीशन हो रही हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे तो फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है सबसे पहले हम उनके लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है दोस्तों आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है ये मार्च महीना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मार्च महीने में ज़िंदगी में वो बदलाव आने वाला है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये मार्च महीना आपकी लाइफ में बहुत खास और महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला है ये मार्च महीना आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव लेकर के आएगा जो कंडीशंस uh, चेंज करके आएगा वो काफ़ी तरह से आपके लिए ख़ास और महत्वपूर्ण होने वाली हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी कुछ बातें हैं जो आपको जाननी होगी ठीक है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके बारे में कुछ यूनिवर्स की तरफ से संकेत है कुछ टैरो कार्ड्स की तरफ से कार्ड्स ओपन हुए हैं जो हम आपको बताएंगे देखिए कार्ड्स आपके लिए देखा जाए ना तो काफ़ी सारे मन के सवालों के जवाब आपको पता चल ही जाएंगे लेकिन रिलैक्स रहिएगा खुश रहिएगा तो मार्च महीना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है तो बिल्कुल टेंशन ना लें बिल्कुल लोड ना लें रिलैक्स रहें खुश रहें जीवन में हमेशा आनंद करने की कोशिश करें एक बात और ध्यान रखें कि हमेशा मार्च महीना हर साल आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा लेकिन इस बार जो शिवरात्रि का दौर भी आने वाला है मार्च महीने में होली का पावन पर्व भी आने वाला है तो कहीं ना कहीं ये मार्च महीना आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है अवचेतन मन को हमारे साथ फिट करेंगे जिस तरह से गीता के मुताबिक हम सबके मन में एक संकल्प होता है और हम उस संकल्प का पूरा करते उसी तरह से कार्ड कहता है कि इंसान का भविष्य उसी के अंदर सुरक्षित होता है इंसान को बस उस भविष्य को पढ़ना होता है ये एक तरह का ब्रिज है जिसके द्वारा इंसान उस अपने ही सबकोश से जुड़ता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह टेरोकार्ड की विधा आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है और अधिक विश्वसनीय भी है साथ ही कार्ड की विधा से हम अपने जीवन की पहली को समझ सकते हैं और सुलझा सकते हैं तो आइए दोस्तों कार्ड के जरिए आज हम आपको बताएंगे तीन नंबरों के माध्यम से आप कैसे अपने भविष्य का चुनाव कर सकते हैं और कैसे अपने भविष्य के बारे में जान सके देखिए सामने आपको तीन नंबर्स दिख रहे हैं इनमें से आपको कोई एक नंबर जो अपनी तरफ अधिक आकर्षित कर रहा है उस कार्ड को आपको चुनना है तो पहले नंबर का कार्ड जिस किसी ने भी चूज किया है दोस्तों उनके लिए लविंग कार्ड ओपन हुआ है जी हाँ दोस्तों नाइट ऑफ स्पॉट्स अब समय आ गया है यह कार्ड बता रहा है कि आप बुरे हालातों से उबर जाएं और नई शुरुआत की ओर देखें आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे तो दोस्तों यह कार्ड आपको बताता है कि आप बुरे हालातों से उबर गए हैं और नई शुरुआत की ओर देख रहे हैं आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और उसकी तरफ आकर्षित होंगे आप चाहेंगे कि घटनाओं का सिलसिला जारी रहे और कुछ रोमांस पैदा हो यह बहुत ही तगड़ी शुरुआत होगी और आप कुछ ही समय में अपने आप से ही अपने साथी के साथ खुश और स्थिर पाएंगे यानी कि दोस्तों आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आने वाला है और आपके लिए एक नए प्रेमी का सागाज़ होने वाला यानी कि नए प्रेमी से आपकी मुलाकात होने वाली है और देखिए ये कार्ड यह भी बता रहा है कि आप अपने संबंध को तभी बजा कर रख पाएंगे यदि आप दोनों कुछ धैर्य से और समझ के कोशिश करें यदि यह सफल नहीं होता तो अंततः आप अपने साथी से अलग होने का निर्णय लेंगे और नई संभावनाओं के साथ नई राह पर चलने की कोशिश करेंगे यानी कि दोस्त चलिए अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं जिन्होंने सेकंड नंबर चूज करा है आपके लिए मार्च महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं काफी कुछ बदलाव आने वाले हैं जीवन में काफ़ी कुछ खास और महत्वपूर्ण आपके साथ होने वाला तो सेकंड नंबर आप लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है ठीक है बिल्कुल लोड ना लें बिल्कुल टेंशन ना लें बस आप रिलैक्स रहें खुश रहें आनंद करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा घबराने की बात नहीं है ट्रिपल वन के लिए जजमेंट कार्ड ओपन हुआ है दोस्तों ये कार्ड आपको बताता है कि आपके आमदनी के लिए बहुत अच्छा समय है यदि कोई वित्तीय निर्णय पारित किया जा रहा है तो इसकी भी अत्यधिक संभावना है कि आपके पक्ष में होगा यानी कि ये जो कार्ड है दोस्तों ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है आपके बिजनेस का अच्छा समय आने वाला है कर्जों के भुगतान से आपको आर्थिक लाभ होने वाला आपकी वित्तीय अवस्था जल्द ही सुधरने वाली है यानी कि कुल मिलाकर आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है यह समय आपकी लाइफ को पलट कर रख देगा आपकी ज़िंदगी को पलट कर रख देगा लविंग लाइफ के बारे में एक कार्ड बता रहा है कि आप जीवन में नई और ताजगी देने वाली चीज़ों को खोल रहे हैं आप रूढ़ी चीज़ों से दूर नई जगह की ओर भागना चाहेंगे आपको अपने शादी से थोड़ी देर के लिए अलग समय बिताना पड़ सकता है और आप एक अलग निर्णय लेंगे जो कि सही होगा यानी कि ये कार्ड यही कह रहा है कि आप जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे वित्तीय सहायता आपको सब दूर से मिलना चालू होगी नए बिजनेस की आप डील कर सकते हैं बच्चों के मामले में अभी आप एक अनुशासन प्रिय और अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे अगर आपके अभी तक शादी नहीं हुई है तो लविंग लाइफ में भी आप एक अच्छे हम सफ़र लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश करेंगे और हमेशा अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का आप ध्यान रखेंगे और आने वाला समय यह भी कहता है दोस्तों कि आप रूढ़ीवाती चीज़ों से दूर नई जगह की ओर भागें यानी कि आप पुराने लोगों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं आप ओपन माइंडेड हैं आप बहुत ही फ्रेंडली है खुले दिल के स्वभाव के आप कभी भी किसी को बंदिश में रखना पसंद नहीं करते हैं आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप सामने वाले को भी उसी नेचर में ढलना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों ये नंबर टू के लिए बहुत अच्छा कार्ड ओपन होती ज्ञानोदय होगा और आप चीज़ों को अपने तरीकों से समझेंगे अपनी कुशाग्र बुद्धि और तर्क वितर्क से आप जीवन के कुछ तथ्यों को सीखेंगे आपकी मानसिक शक्ति के कारण आप प्रत्येक रुकावट को पार करते हुए धीरे धीरे किसी भी मुश्किल से निकल जाएंगे आपकी प्रवृत्ति किसी के लिए किसी चीज़ के लिए न्याय के लिए लड़ने की है और आप सच्चाई और ईमानदारी की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते हैं यानी कि दोस्तों ये कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर आप चूज़ करते हैं तो वो हमेशा सक्सेस रहेगी और लाइफ में अच्छा बिजनेस आप कर लेंगे यानी कि ऑपरचुनिटी आपके पास बहुत सी आएगी उन ऑपरचुनिटियों पर आप खड़े भी उतरेंगे ये लाइफ का बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए ओपन हुआ जो आपको बता रहा है कि आप आपकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम फैसले अगर लेते हैं तो उसमें भी आप सक्सेस होंगे आप पॉजिटिव इंसान हैं और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे कभी भी आपके पास नेगेटिविटी हैवी नहीं हो सकती है अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं लाइफ पार्टनर ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करना है हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं घबरा जाते हैं जिस वजह से क्या होता है ना हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं और प्रेजेंट को भी खो देते हैं फ्यूचर भी हमें हमारा दिखाई नहीं देता हम सिर्फ हमारे पास्ट में खोए रहते हैं देखिए हमारे पास्ट और तो फ्यूचर को खोने के चक्कर में टेंशन में हम हमारा प्रेजेंट गवा रहे होते हैं जो सही नहीं है फिलहाल आप प्रेजेंट को एंजॉय करिए प्रेजेंट में जिए जितना आप प्रेजेंट में एंजॉय करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उतनी जल्दी आपकी लाइफ में मोमेंट्स आएगी और उतनी जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जय कारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी हर हर महादेव